सोनिया गांधी के संबोधन से चिंतन शिविर की शुरुआत हुई है। चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान भी सामने आया। विरोधियों को दबाया कुचला जा रहा, ये बात कही सोनिया गांधी ने। जांच एजेंसियां का दुरुपयोग यहां पर सरकार कर रही, इस बात का आरोप लगाया सोनिया गांधी ने। कमजोर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, मीडिया का एक तबका झूठ फैला रहा है, मीडिया पर भी सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हुआ है। कमजोर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ये आरोप लगाए हैं सोनिया गांधी ने। सोनिया के संबोधन से चिंतन शिविर की शुरुआत हुई है। मीडिया का एक तबका झूठ फैला रहा, यह बात सोनिया गांधी ने कही है चिंतन शिविर में। उदयपुर राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, नव संकल्प शिविर इसे नाम दिया गया है, और ऐसे में विरोधियों को दबाया कुचला जा रहा, इस संबोधन में सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा। और मीडिया पर भी आरोप लगाए, जांच एजेंसियों पर भी आरोप लगाए, कहा कि दुरुपयोग सरकार जांच एजेंसियों का कर रही है। इन तमाम सवालों के बीच में कई गंभीर आरोप लगाए सरकार पर, कमजोर लोगों का अत्याचार यहां पर उन पर हो रहा है, ये बात कही सोनिया गांधी ने। इसके अलावा मीडिया का एक तबका झूठ फैला रहा, यह बात भी कही है।